हैं आज प्रदेश में कांग्रेस जिसको कार्यक्रम करने जा रही है उसी कड़ी में प्रोग्राम है और इसकी अब मैं निमंत्रण लोगों को देना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा, इसकी बाकी जानकारी जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आपके बीच में रखेंगे। कोई बाकी बाद में कोई प्रश्न होंगे तो हम आपके प्रश्न उत्तर देंगे। एक सा टाइम भी बता दो, 10:11 अभी जगह बता देंगे आप, 11 बता देंगे आप। हमारे बहुत ही सम्मानित लोकप्रिय सांसद श्री जितेंद्र हुड्डा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ विधायक श्री जगबीर सिंह मलिक जी, विधायक श्री सुरेंद्र पवार जी, हमारे पूर्व विधायक श्री परमिंदर सिंह ढोंदी, पूर्व विधायक श्री महरी सिंह जी, पूर्व विधायक श्री पदम सिंह दहिया जी, पूर्व विधायक श्री सुखवीर सिंह परमाना जी, हमारे बहुत ही सम्मानीय विधायक जगबीर सिंह मलिक जी, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, हमारे बहुत ही सम्मानीय भाई मेयर निखिल मदान जी, हमारे विधायक आदरणीय भाई इंदुराज नरवाल जी, बहुत ही हमारे वरिष्ठ विधायक श्री सुभाष देशवाल जी, अन्य हमारी पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारीगण और मेरे प्रेस के सभी छायाकार और प्रिंट मीडिया से सभी बंधुवा, जैसे हमारे अपने साहब ने बताया कि 14 तारीख को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 132वें जयंती समारोह के अवसर पर जय भारत सत्याग्रह एवं संविधान बचाओ रैली का आयोजन 14 अप्रैल को यहाँ सोनीपत में होने जा रहा है। अभी स्थान अभी आपको बताएंगे, अभी हम विचार विमर्श करके शायद अनाज मंडी रहे या कोई दूसरी जगह, क्योंकि फसल का समय है और दूसरी जगह भी हो सकता है, वो अभी हम डिसाइड करेंगे। तो इसमें हमारा जो सारा जो हमारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसके साथ साथ जो आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों को जो रेखांकित किया था और उसे पूरा मेन स्ट्रीम में लेकर के आए थे और उनके साथ जिस तरह से एक लगता है कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र किया जा रहा था और उसके तहत ही उनको जो सूरत जो ट्रायल कोर्ट में हुआ वो ऐसा लगता है कि उसमें वो खाली सहयोग नहीं था, उसको कुछ ना कुछ प्रयोग अवश्य था। तो उसके बारे में तो हम जो सेशन कोर्ट में और उसके बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खोले हुए हैं वो उसे हम लेंगे, लेकिन जनता को के बीच में हम सारी बातें लेकर के जाएंगे कि आज किस तरह से देश में जो संवैधानिक संस्थाओं का जो अवमूल्यन हो रहा है, जिस तरह से आज लोकतंत्र को संविधान को खतरा हो रहा है, जिस तरह से हमारे इस बहुमूल्य जो संपत्ति जो 60-70 साल में जो देश में जो अर्जित की थी उनको एक एक करके उनको जिस तरह से बेचा जा रहा है और कुछ चंद हाथों में दिया जा रहा है और उसमें जो अदानी का जो मेन इशू रहा उसमें सीधा से जो प्रश्न जो राहुल जी ने उठाए थे उन पर फोकस करना है कि जो प्रश्न वो उठाए हैं उनका उत्तर चाहिए। विपक्ष का ये कर्तव्य है कि कोई प्रश्न उठाता है, लेकिन ये पहली बार दुनिया में और भारतवर्ष में पहली बार हुआ कि विपक्ष का नेता कोई प्रश्न उठाए तो उसको प्रोसीडिंग से ही निकाल दिया जाए। प्रोसीडिंग से तब निकाला जाता है कि कहीं कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया हो, कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन जो प्रश्न जो उठाए गए उनके प्रश्न का उत्तर देने का दायित्व तो सत्ता पक्ष का होता है। अगर उनके प्रश्न का उत्तर नहीं है तो चुप भी रह सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि उनके पूरी स्पीच को ही जो प्रोसीडिंग से निकाल दिया गया। तो ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे और जो भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल जी
यात्रा का जो बहुत अभूतपूर्व जो जन समर्थन पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से मिला उसकी तरफ से भी उसका भी हम धन्यवाद करेंगे। और अभी हमारा जो विपक्ष आपके समक्ष जो यमुनानगर में हुआ और अब ये सोनीपत पार्लियामेंट्री क्षेत्र की जो ये आज मीटिंग है और इसकी जो रैली होने जा रही है 14 अप्रैल को, हमें इसमें पूरा है कि पूरी तरह से जहां बाबा साहब का जो दर्शन था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस तरह का हमें जो रास्ता दिखाया था, जो मार्गदर्शन दिया था हमारे बुजुर्गों ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जो स्वाधीनता संग्राम के हमारे सभी जो सेनापति जितने हमारे हुए हैं, उन सब के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और इस संदर्भ में आपका कोई प्रश्न है तो आपका स्वागत है। रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का एक बार पहले वो प्रश्न मुख्य अतिथि के तौर पर कौन कौन पहुंचेंगे? इसमें मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे प्रभारी श्री शक्ति सिंह गोहिल जी होंगे और विशिष्ट अतिथि हमारे एपी साहब दीपेंद्र जी होंगे और अध्यक्षता उसमें मेरी होनी है और हमारे सभी उसमें सारे जो हमारे पार्टी के उसमें विधायक, अपने पूर्व विधायक, सारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूरे प्रदेश पर से सभी उसमें आमंत्रित है। उदय भाजी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कांग्रेस हमारे सामने वो जीरो हो चुकी है, हमारा पन्ना प्रमुख तक नेता है, लेकिन एक बार मैं जवाब दूंगा, लेकिन हमारा पन्ना प्रमुख तक नेता है लेकिन कांग्रेस जिला अध्यक्ष तक नहीं बना पाई है। आपने कोई देखा अभी तक कौन पन्ना प्रमुख है? ये सबसे बड़ा झूठी पार्टी है, इसका मतलब ये बहुत झूठी पार्टी, भारत जलाओ पार्टी के साथ साथ बहुत झूठी पार्टी इनके, ठीक है मंडल स्तर तक कोई ऐसी गुप्त शर्तें हो जो केवल गृह मंत्री जी के घड़ी हो सकती हो, मंजूर वो प्रदेश के लोगों को पता है क्या गुप्त शर्तें हो सकता है। देखो एक शर्त तो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं मानती, प्रदेश को लूटने की छूट तो नहीं देते जो बीजेपी ने, ये प्रदेश भ्रष्टाचार और प्रदेश को लूटने की छूट, कहीं कोई शराब महकमा, कोई एक्साइज महकमा, कहीं कैसे कैसे महकमे, ये शर्त हमें कांग्रेस पार्टी कभी मंजूर नहीं हो सकती थी। बाकी ये शर्त थी और कोई गुप्त शर्तें होंगे तो वो बताएं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि 4 साल मलाई खाने के बाद आज ये क्यों याद आई, आने वाले समय में लोगों का रुझान और अपना हर्ष क्या परिणाम होंगे उस बात को देख के आज कांग्रेस पार्टी की तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ पूरे प्रदेश में रुझान है। इसीलिए कोई भी दल हो, सबकी दल सारे दलों के या तो निशाने पे कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब है या हर दल की तरफ से बात आती है कि उनसे समझौता कर लिया जाए, IRLD की तरफ से आती है कि समझौता करें, JJP की तरफ से बात आती है कि हम समझौता करना चाहते थे। तो यह आज जो है आज की हरियाणा की राजनीतिक वास्तविकता के प्रति बयान आ रही है। उन्होंने कहा है कि फोन टेप वीडियो रिकॉर्डर जो है वो वायरल करेंगे दिग्विजय चौहान। वो यार अब चलो मैं जो है ये सारी चीजें मैंने बात करी थी JJP के बयान पे जो मैंने कहना था सारी बात सार्वजनिक जो बात है ये प्रेस की सर हरियाणा भर में जो है बेमौसमी बारिश हुई और उसके बाद काफी नुकसान हुआ और हालात ये हैं कि मंडियों में जो है हमारी मांग है सरकारी इसमें हमारी मांग को पूरा नहीं कर पा रही। बिल्कुल ठीक बात है, 2-3 बातें हैं। एक तो हमारी मांग थी मुआवजे को लेकर, तुरंत समयबद्ध हिसाब से मुआवजा 15 दिन के अंदर 25,000 मिनिमम और कहीं कहीं उससे भी ज्यादा, किसानों की मांग तो 50,000 तक भी है तो मुआवजा दिया जाए, मिनिमम 25,000 दिया जाए, किसानों की मांगों को माना जाए। और गिरदावरी पूरी स्पीड से, गिरदावरी की स्पीड बड़ी स्लो चल रही है, पटवारियों की भर्ती हुई, पटवारियों के रिक्त है, पटवारियों के पद रिक्त पड़े हैं, पोर्टल चल रही है, पोर्टल में गांव के नाम नहीं आ रहे,
जिसकी वजह से पूरी प्रक्रिया में काफी डिले हो रहा है। ये जिलाधिकारी सारे इस पे ध्यान दें और किसानों के जख्मों का मलहम लगने का काम हो, पहली बात। दूसरी बात, खरीद की बात शुरू हो गई। अब हमारी मांग है सरकार से कि भाई कालस और नमी के कि आड़ में हरियाणा के किसान को प्रताड़ित ना किया जाए। किसान विरोधी सरकार है, ये बहाने ढूंढ ढूंढ के किसानों को निशाने पे लेती है। और ये खरीद में भी ये देखी जा रही है बात, आपने देखा सरसों में 1000 रुपए तक जो खरीद थी उससे भी MSP थी, उससे कम पे किसानों को अपनी सरसों देनी पड़ी, तब तो सरकार आगे नहीं आई। अब गेहूं अंतरराष्ट्रीय बाजार में 3000 से ऊपर पहुंच गया, सरकार ने तुरंत एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी और 3 लाख टन FCI के गोदामों से बाहर निकाल के उसके प्राइस को MSP पे सरकार ले आई। और उस पे MSP भी नवी और कालस का देते हुए MSP पे भी आनाकानी करने की सरकार की मंशा नियत दिखाई दे रही है। तो दोनों उदाहरण इस बात के हैं कि भाई ज्यादा हो तो ज्यादा किसान को ना मिले, कम हो तो कम में सरकार वो नुकसान किसान पे छोड़ दे। जो सरसों में कम हो गया तो नुकसान किसान का ज्यादा होने के चांस है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ा हुआ गेहूं का भाव, तो वो किसान को लाभ ना मिले। ये सरकार की किसान विरोधी नीति की ये सोच है। हम ये तीनों मांग रखना चाहते हैं मुआवजे का भी, नमी और कालस में रियायत के साथ लस्टर लॉस 500 और इसमें। और तीसरी बात, जो ये 3000 का जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट पे भाव की जो बात है, उस बात को मद्देनजर 500 रुपए बोनस 4 बार 10 साल की कांग्रेस सरकार में, उनका सरकार में 4 साल बोनस दिया गया। जब भी मार्केट का भाव ज्यादा था MSP से, तो सीजन के बीच में कभी 50 रुपए कभी 100 रुपए बोनस डिक्लेयर किया गया, इन्होंने बोनस बंद कर दिया। 9 साल से कोई बोनस नहीं मिला बीजेपी सरकार ने, हमारे में 4 टाइम्स धान का भी अलग और गेहूं का अलग बोनस डिक्लेयर होता था, इन्होंने बोनस बंद कर दिया कि भाई जो भी प्रदेश भी बोनस देगा उससे खरीद नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे इनकी मध्य प्रदेश की सरकार ने बोनस दिया तो उनसे FCI ने कहा कि खरीदेंगे नहीं, कंडीशन लगा दी और बोनस कैंसिल करा दिया। तो अब हमारी मांग है कि भाई इस बार जो ये उपयुक्त समय है 500 रुपए बोनस किसान को दिया जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष जी एक आखिरी सवाल ले लेते हैं इसमें, जो हनुमान जयंती पर एक लास्ट सवाल एंटी बीजेपी ले लेते हैं सर, हनुमान जयंती पर बीजेपी के जो महासचिव कैलाश विजयवर्गीय है, महिलाओं को लेकर बयान दिया है कि घर से बाहर निकलते छोटे कपड़े पहनकर निकलती है, सुरपुर खान लगती है, तो ये छोटे मानसिकता जो ना ये कोई नई नहीं है, ये हर जगह ये प्रमाणित हुई है। चाहे हमारे यहाँ हरियाणा में देख लो क्या हुआ, खेल मंत्री क्या कर रहा है, जो रेसलिंग का जो है वो जो मेंबर पार्लियामेंट का